वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है लगभग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर टीनेजर्स में, बॉयज और गर्ल्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन के मुख्य कार्य क्या होते हैं, हार्मोन असंतुलन के लक्षण क्या होते हैं महिलाओं में, पुरुषों में और टीनेजर्स में। उसके अलावा हम बात करेंगे हार्मोन असंतुलन के 10 कारण, हार्मोन को संतुलित करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, और उसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियां करें जिससे हार्मोन संतुलित हो पाए। यदि हम बात करें हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन एक प्रकार के केमिकल्स रसायन होते हैं और ये क्या करते हैं, कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। ये एक प्रकार के प्रोटीन या स्टेरॉइड से बने होते हैं, विशेष ग्रंथियों द्वारा, मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। वो कौन कौन से होते हैं, यदि बात करें वो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, तो ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो गले में होता है, थाइमस ग्लैंड जो है छाती में पाया जाता है, उसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड जिनका पोजिशनिंग किडनी के ऊपर होती है, पैंक्रियाज जो होते हैं पाचन तंत्र का एक पार्ट होते हैं, और पुरुषों में टेस्टीज और महिलाओं में ओवरीज। तो ये जो होते हैं ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन का निर्माण करते हैं। जैसा आप जानते हैं T3 T4 का आपने नाम सुना होगा या कैल्सिटोनिन का, तो इसका जो निर्माण होता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है। उसी तरीके से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का आपने नाम सुना होगा, जिसका निर्माण ओवरीज में होता है, या आपने सुना होगा LHFSH या प्रोलैक्टिन का, तो इसका निर्माण पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन का निर्माण करते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया है। यदि हम बात करें इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, मेजर फंक्शंस क्या होते हैं हार्मोन के, तो पहला होता है शरीर का निर्माण करना, शरीर के डेवलपमेंट में मदद करना, स्पेशली बॉयज और गर्ल्स में उनका जो यौन डेवलपमेंट होता है उसमें मदद करना, साथ साथ में प्रजनन जो होते हैं शुरू करने बनाए रखने में मदद करते हैं, भूख और प्यास को नियंत्रित करते हैं, यदि किसी को भूख कम लगती है ज़्यादा लगती है उसको कंट्रोल करते हैं, शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी का लगना ये भी उसको कंट्रोल करते हैं, साथ में डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो लक्षण होता है महिलाओं में भारी या अनियमित पीरियड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना या कम ब्लीडिंग होना, साथ में महिलाओं में पीरियड का ना होना, मिस हो जाना या समय पर नहीं आना, रुक रुक कर आना, चेहरे ठोड़ी या शरीर के अन्य हिस्सों पर अत्यधिक बाल होना या सर पे बाल ना होना, उसके अलावा चेहरे छाती या ऊपरी पीठ पर मुहासे होना। उसके अलावा महिलाओं में लक्षण होते हैं जैसे कि बाल का झड़ना, त्वचा का काला पड़ना, गर्दन का कम होना, जो महिलाएं होती हैं उनमें योनि का सूखापन, साथ में जो महिलाएं इंटरकोर्स करती हैं इंटरकोर्स के दौरान उसमें दर्द होना, रात में रात को पसीना ज़्यादा आना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जैसे कि सर में दर्द होना, ये घबराहट होना, कमजोरी लगना, ये भी हार्मोन असंतुलन के कुछ लक्षण होते हैं। यदि हम बात करें पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, मीन्स 7 हार्मोन इम्बेलेंस इन मैन, तो पहला जो होता है गायनेकोमास्टिया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पुरुषों में जो स्तन डेवलपमेंट हो जाता है, उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, साथ में कुछ पुरुषों में जो उनका लिंग है पेनिस है वो सही से काम नहीं करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में ऐसे पुरुषों में पाया गया है कि उनके शरीर पर बाल कम होते हैं, मांसपेशियाँ भी कम होती हैं, साथ में ऐसे पुरुषों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, साथ में उनमें ध्यान लगाने में भी प्रॉब्लम आती है, एकाग्रता में कमी होती है, साथ में सर्दी और गर्मी महसूस करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कि ऐसे पुरुषों को गर्मी का एहसास ज़्यादा हो। यदि हम बात करें गर्ल्स में हार्मोन संबंधी समस्याएं कौन सी होती हैं टीनेजर्स में, तो पहला होता है कि उनके जो पीरियड्स हैं समय पर शुरू नहीं होते हैं, उनका ब्रेस्ट सही से डेवलप नहीं होती है, मांसपेशियों में हो सकता बहुत ज़्यादा इजाफा हो, बहुत ज़्यादा उनके पुरुषों जैसे उनका फिगर हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है उनमें मोटापा वगैरह हो सकता है, साथ साथ में ऐसी महिलाओं में हो सकता है कि उनकी आवाज़ भारी हो, शरीर पे जो बाल हों वो ज़्यादा हों पुरुषों की तरह, साथ में पिंपल्स वगैरह, एकाग्रता में कमी, ध्यान में कमी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा या बहुत कम भूख लगना, नींद ना आना और चिड़चिड़ापन,
कुछ लक्षण होते हैं जो टीनेजर्स गर्ल्स में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें बॉयज में कौन कौन से लक्षण होते हैं या कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो पहला होता है मांसपेशियों के विकास में कमी होती है, साथ में इनकी आवाज पतली हो सकती है महिलाओं की तरह, शरीर में बाल कम हो सकते हैं, इनका जो लिंग और टेस्टिस का डेवलपमेंट सही से नहीं हो सकता है, गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम जैसे हमने बात करी कि इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, एकाग्रता में कमी, बहुत ज़्यादा या बहुत कम भूख लगना, नींद ना आना और पुरुषों में भी चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की समस्या हो सकती है। यदि हम बात करें इसके कारण क्या होते हैं, हार्मोन असंतुलन के कारण क्या होते हैं, हार्मोन इम्बेलेंस 10 कॉजेज की बात करें अगर, तो पहला और सबसे मेन कारण होता है असंतुलित आहार, मतलब जंक या ऑयली फूड का ज़्यादा लेना, साथ में तनाव स्ट्रेस होना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है कि आजकल शारीरिक गतिविधि नहीं होती है, या नींद का ना पूरा होना, या बहुत अधिक दवाओं का उपयोग करना। साथ में आप बहुत बार ऐसा होता है कि हार्मोन एक हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आप दवाई लेते हैं तो हो सकता है उससे दूसरा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, चोट लगना, हार्मोन थेरेपी जैसे हमने बात करी, उसके अलावा यदि किसी तरीके का ट्यूमर होना, कैंसर होना या कैंसर जैसी दवाई का लेना, कीमोथेरेपी का लेने की वजह से भी हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं, बट पहले जो पांच होते हैं वो मेन कारण होते हैं। यदि हम बात करें हार्मोन को संतुलित करने के लिए क्या खाएं, तो उसके लिए आप लो फैट डाइट लें, जैसे कि सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा अन्य प्रकार की जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, पालक वगैरह है या दूसरी अन्य हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, मशरूम वगैरह भी ले सकते हैं, अदरक, अनार, उसके अलावा जो बीज वगैरह होते हैं, दालें हैं, अनाज, उनका सूखे मेवे वगैरह भी आप ले सकते हैं, उसके अलावा ताज़े फल लें। आपको याद रखना है ताज़ी चीज़ें लेनी है, आपको प्रोसेस्ड चीज़ों से बचना है। हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आप अंडा ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन, उसके अलावा यदि हम बात करें आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाने से बचना है या कम खाना है, तो आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, ये जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे को सेवन कम से कम करना है, पैक्ड फूड्स भी कम से कम सेवन करना है, जैसे चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये जिनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं कम लेना है, हाई फैट डाइट वगैरह कम लेनी है, उसके अलावा रेड मीट का सेवन भी कम करना है, ज़्यादा चटपटा वगैरह नहीं खाना है, शराब और स्मोकिंग से अपने आप को बचा के रखना है, साथ में कॉफ़ी का भी सेवन कम करना है, और जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है यदि उनको कोई भी इसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है। यदि हम बात करें सामान्य रूप से हार्मोन को कैसे संतुलित कर सकते हैं, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप स्ट्रेस कम से कम लें, आप हफ्ते में 3 दिन कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करें, 3 से 4 दिन या 3 घंटे हफ्ते में एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, आप योगा भी कर सकते हैं, साथ में आपको ओवर ईटिंग और डाइटिंग से बचना है। काफ़ी बार पाया जाता है कि महिलाएं डाइटिंग करती हैं जिसकी वजह से भी उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, साथ साथ में आप समय से सोएं और जागें, पूरी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस से बचें। उसके अलावा आप स्ट्रेस से बचने के लिए आप संगीत सुन सकते हैं, साथ में दोस्तों के साथ समय बिताएं, प्यार मोहब्बत से रहें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा गुस्सा करने से भी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। किसी महिलाओं और पुरुषों में या बच्चों में ये लक्षण हैं तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, फीमेल्स के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और मेल्स जो है आप अपने किसी नज़दीकी एमडी फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है हार्मोन से रिलेटेड तो आप मेरे हार्मोन के अन्य वीडियो देख सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।